खबर कटनी जिले से है, जहां दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और इसके तहत ही कटनी जिले के 3 विधानसभाओं में लोकसभा के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जिसमें 3,810 मतदान कर्मी मतदान करेंगे। तो वही सुरक्षा की दृष्टि से 1,500 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विशेष बल भी रिजर्व में प्रशासन के पास रहेगा। बता दें कि मतदान दल को बकायदा ईवीएम और वीवीपैट मशीन के साथ नियमानुसार सभी सामग्री वितरण की जा रही है, जिस पर पुलिस और निर्वाचन अधिकारी मौके पर मौजूद और मुआयना करते देखे जा सकते हैं। वही मतदान दलों को उनके निर्धारित बूथों पर पुलिस के पहरे में सभी सामग्री लेकर रवाना किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दिनांक 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, खजुराहो सीट के चुनाव के लिए पुलिस बल, जिला पुलिस बल और हमें जो बाहर से सीएपीएफ और बाकी जो फोर्स में प्रदाय किए गए हैं, वो सभी मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप और निर्भय करवाने हेतु हम सभी कटिबद्ध हैं और इस हेतु हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। प्रथम स्तर हमारा बूथ का है, जहाँ बूथ पे हमारे डिप्लॉयमेंट है। प्रत्येक बूथ पे फोर्स जो है, बूथ की संवेदनशीलता के आधार पे उसको डिप्लॉय किया गया है। इसके बाद दूसरे स्तर की जो व्यवस्था है वो हमारे सेक्टर और जोनल मोबाइल्स की है, जिसमें हमें हमारे कई सारे अधिकारियों को, जिसमें सब इंस्पेक्टर से लेकर के हमारे डीएसपी तक, उनको फील्ड में वो तैनात रहेंगे और लगातार भ्रमण में रहेंगे। और ऐसे कम से कम 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमने निर्मित की है और वो मुश्किल से 10 से 12 मिनट में प्रत्येक स्थान पे जाने में वो सफल रहेंगे, ऐसा हमने प्लान किया है। और इसके अलावा जो हमारी सबसे बाहरी व्यवस्था है, वो हमारे जिले में जो हमारे एसएसटी के नाके लगे हुए हैं, वो लगातार कार्यरत रहेंगे। उनका काम है जिले में बाहर से कोई असामाजिक तत्व तो प्रवेश न करे। तो इस प्रकार से हमने एक फुल प्रूफ व्यवस्थाएं बनाई है। अभी यहाँ पे हम मंडी प्रांगण में मतदान दलों को सामग्री दे रहे हैं और ये काम लगभग पूर्णता पर है। हमें ऐसी उम्मीद रखी है कि एक घंटे में सभी मतदान अपने गंतव्य के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर मतदान केंद्रों पर समस्त व्यवस्थाएँ की गई हैं हमारे मतदान दलों की सुविधा के लिए। कल जो मतदाता आएंगे उनकी सुविधा के लिए, और इस बार हमारा विशेष प्रयास है कि गर्मी से बचाव हो सके।